ये मंदिर मस्जिद की बातें बंद करें, जिसको जहां आस्था है, स्वेच्छा है, उसे पूजा पाठ नमाज पढ़ने दें। और ये भाईचारा है, मोहब्बत है, मंदिर और मस्जिद कोई बटा नहीं, भगवान का घर है। चलेगा मंदिर में तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, जायज अच्छी बात है, मोहब्बत है, भाईचारा है। हम भी मंदिर में गए हैं, हमारे दोस्त भी मस्जिद में जाते हैं। जमा खान भी मंदिर जाते हैं? हाँ, मंदिर जाता हूँ। तो ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि इसराइल मंसूरी कैसे चलेगा, वो तो लगा रहे हैं सुर्खियों में, आए कि माफी मांगे, इसे कहा माफी मांगेंगे भैया, कहे अच्छी बात, उनको अच्छा सुनना चाहिए भाई, चलिए इसराइल भाई चले गए मंदिर में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी निकल के आई बिहार में जिससे विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा पाठ की है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंचे थे, साथ में बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी पहुँचे थे, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में बीजेपी कह रही है कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के इसराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर कैसे जा सकते हैं, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ जाना हमारे धर्म के खिलाफ़ है, यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। जमा खां बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो विवाद बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बातें अब शुरू हो गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसराइल मंसूरी चले गए मंदिर में, कैसे? ये तो एक अच्छा मैसेज है हमारे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में, सब लोग एक जगह हो जाए, एक जगह रहे, अच्छी बात है ये। और मैं आपसे क्या आपके द्वारा गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद की बातें बंद करें, जिसको जहाँ आस्था है, स्वेच्छा है, उसे पूजा पाठ नमाज पढ़ने दें। और ये भाईचारा है, मोहब्बत है, मंदिर और मस्जिद कोई बटा नहीं, भगवान का घर है, ये ईश्वर का घर है, कोई जा सकता है, साफ सुथरा होके कहीं वो जा सकता है, पूजा कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, अच्छी बात है, अच्छी संदेश है देश के लिए, अच्छी संदेश। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चूक हो गए, कैसे वो चलेगा? उनको क्या कहना है, मेरे बीजेपी के मेरे भाई लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि इस बिहार को अच्छे से चलने दें, काम करने दें, देश में अच्छा काम वो भी लोग करें। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब गलत बात है, मंदिर मस्जिद बातें बंद करें, काम की बातें करें। काम चलेगा मंदिर में तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, जायज अच्छी बात है, मोहब्बत है, भाईचारा है, हम भी मंदिर में गए हैं, हमारे दोस्त भी मस्जिद में जाते हैं। जमा खां भी मंदिर जाते हैं? हाँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ। यार भगवान तो हर जगह है, ये पटा तो गीता कुरान में है, भगवान हर जगह है, जहाँ आपकी आस्था है जाइए, माथा टेक दीजिए, नहीं आस्था अलग बात है। जो भगवान को बांटता है, जो मंदिर मस्जिद बांटता है, वो आदमी अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा, ये नहीं होना चाहिए। उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला है, बस मंदिर मस्जिद ये वो अगड़म बगड़म लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार मेरा अच्छा चलेगा, चलने दें। मेरा भी नाम आलोक कुमार है, आपका नाम जमा खां है, हम दोनों एक मिट्टी के बने हैं, और फिर मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी में मिलना है, मरना है। इस पर लोग याद करें कि जो आया है उसे जाना है, या हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान नहीं जाऊंगा, मेरा हिंदू भाई नहीं जाए, सबको जाना है। भगवान ईश्वर को रास्ता है तो उनसे डरें, मैं ये कहूँगा, क्योंकि कहीं गीता कुरान में लिखा है कि मंदिर मस्जिद पटा हुआ है, हर जगह लिखा है भाईचारा, मोहब्बत, पूजा पाठ करिए, नमाज करिए, उससे पहले भाईचारा रखिए। अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, किसी का दिल को तकलीफ है, आपका नमाज खत्म, आपका पूजा खत्म, ये गीता कुरान में है। तो ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि इसराइल मंसूरी कैसे चलेगा, वो तो लगा रहे हैं सुर्खियों में, आए कि माफी मांगे, इसे कहा माफी मांगेंगे भैया, कहे अच्छी बात, उनको अच्छा सुनना चाहिए भाई, चलिए इसराइल भाई चले गए मंदिर में, कहीं कहीं आस्था उनसे है, मोहब्बत है भगवान खुदा से। आगे जमा खां कोई मोहब्बत होगी तो वो भी जाएंगे मंदिर? जाते हैं, जाने को जाएंगे, गए नहीं है, आप नहीं जानते हैं, छिपा है, या मोहब्बत का संदेश देते हैं दुनिया में, देश में। काम पर भी सवाल खड़े करें, नीतीश कुमार कैसे ले गए? कैसे ले गए? हम इंसान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम बिहार के वासी नहीं हैं, हमारा मंदिर नहीं हो सकता है, मेरा मस्जिद नहीं हो सकता है, मैं खुदा का बंदा नहीं हूँ, मैं नहीं खुदा को मानता हूँ, क्या खुदा कोई चूक नहीं है। जो कह रहा है ये विकास जो हम लोग करना चाहते हैं उसको मोड़ना चाह रहा है, और बिहार ने पूरा देश समझ रहा है, इसलिए आने वाले समय में देश के लोगों को जवाब देंगे, मिलेगा जवाब, एकदम मिलना है। आप हर जगह पता करिए, हर स्टेट में बीजेपी का एजेंडा थोड़ा अलग है, एजेंडा नहीं, एजेंडा ही कुछ इनका नहीं है, बस एजेंडा यही कि हमको आपको फोड़े, मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदू मुस्लिम करें, यही है। देखिए जमा खां हमारे साथ थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे, जब नीतीश कुमार पहुंचे विष्णुपद मंदिर पूजा करने तो उनके साथ इसराइल मंसूरी थे, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अब इस तस्वीर पर विवाद हो गई है कि इसराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर में पहुंच कैसे गए, उस पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना है, बीजेपी को भी खूब नसीहत दी है और कहा है कि समाज को बांटे नहीं, जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, धन्यवाद।